सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कौन लोग हैं वह लोग जो उत्तराधिकारी बनाए जाने पर परेशान हो रहे हैं आकाश आनंद के, क्या कहना चाहेंगे लाखन जी? वो लोग जो परेशान हो रहे हैं वो कांग्रेस बीजेपी के चमचे हैं जी मेरा, क्योंकि वो कांग्रेस बीजेपी ने उन्हें किसी उद्देश्य के तहत संगठन बनवाए, राजनीतिक पार्टियां बनवाई, समाज को गुमराह करने के लिए उनको बहुत सारा धन दिया। मैंने सोचा कि बहन जी के बाद ये मिशन खत्म होगा, फिर हमारी दुकानदारी चलेगी। वो जिस इंतजार में थे कि बहन जी है तब तक बहुजन समाज पार्टी जिंदा रहेगी, मगर ये पता नहीं है बहन कुमारी मायावती जी बहुजन समाज की एक देवी कह सकते हैं हम। बहुजन समाज का भविष्य आने वाले समय में उन्होंने 100 साल तक तय कर लिया है कि 100 साल के बीच में किन किन लोगों को लेके आना है। आकाश आनंद जी के आने से आरएसएस से लेकर छोटे बड़े सारे संगठन घबरा गए हैं, क्योंकि उम्र है 28 साल की और आकाश आनंद जी को पूरा मौका मिलेगा बहुजन समाज में जाने का, पूरा समय है और वो गली गली में निकल चुके हैं। हम भी उनके संपर्क में हैं और पूरे देश के अंदर उन्होंने, अभी आपने देखा होगा कि मध्य प्रदेश और राजस्थान और तेलंगाना में वो रोड पे निकले। रोड पे निकलने के बाद तो इन लोगों ने कमेंट मारे कि बसपा अब रोड पे आ गई है क्योंकि वो खत्म होने की कगार पे है। ऐसा नहीं है, अब उनको जवाब दिया जाएगा। हमारे पास एक बहुत बड़ा युवा चेहरा, और युवा चेहरा नहीं बड़ी सोच, जन जन के प्रिय हैं, हमसे व्यक्तिगत मिले आकर और पूरे एक एक कार्यकर्ता को सम्मान माननीय आकाश आनंद जी के तहत किया गया है। और आज वर्तमान में बहुजन समाज के जो लोग हैं, जो परम पूज्य बाबा साहब के सपने को पूरा करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, उनके चेहरों पे खुशी है, वो बहुत उत्साहित है, क्योंकि आदरणीय आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने उत्तराधिकारी बनाए हैं। तो अब बहन जी उनको पूरे देश में बहुजन समाज पार्टी के लिए उन्होंने एक रणनीति बनाई है, और पूरे देश में आकर जन जन के पास आकाश आनंद जी जाना शुरू कर दिया है। बहुजन समाज में ऊर्जा है और अब उनकी दुकानदारी बंद होने वाली है जो आरएसएस बीजेपी के धन बल से चल रहे हैं। आपने देखा होगा मध्य प्रदेश में भीम आर्मी के लोगों ने करोड़ों की दलाली की है, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, उन्हीं के कार्यकर्ता बोल रहे हैं, गाड़ियों के फोटो दिखा रहे हैं। तो मैं आपके चैनल से बता देना चाहता हूँ, जब इंदिरा गांधी ने राजीव गांधी को उत्तराधिकारी बनाया तब पेट में दर्द नहीं हुआ, बाकी बात सोनिया गांधी को बनाया तब पेट में दर्द नहीं हुआ, उसके बाद राहुल गांधी बने तब कोई पेट में दर्द नहीं हुआ। आरएसएस का जो मोहन भागवत है, हेकड़े से 1925 से लेके आज तक वही लोग कब्जा किए हुए, तब कोई पेट में दर्द नहीं हुआ। और वर्तमान में आरएसएस अपने पुराने पुराने जो उनके 15 साल की उम्र में भर्ती हुए उन्हीं को पद दे रही है, उन्हीं को मंत्री बना रही है, उन्हीं को मुख्यमंत्री बना रही है, तब इनके पेट में दर्द नहीं हो रहा है। आकाश आनंद जी यदि उस परिवार में जन्म लिया है तो आकाश आनंद जी की गिनती नहीं है, क्योंकि उस परिवार में कोई भी व्यक्ति जन्म लेगा। और आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने जिस परिवार में जन्म लिया है वो पूरा का पूरा परिवार में जन्म लेने वाले लोग यदि मिशन मूवमेंट के लिए उनको काम कर रहे हैं तो किसी के पेट में दर्द नहीं होना चाहिए। पहली बात, भगवान बुद्ध की बात बताता हूँ। भगवान बुद्ध जब अपना गृह त्याग करके निकले तो बा अंतिम समय में पूरे परिवार को संघ में सम्मिलित किया। किताबें पढ़ें, कुछ लोग कहते हैं कि मानवा साहब कांशीराम साहब ने परिवार के लोगों को महत्व दिया। यदि कांशीराम साहब के परिवार के लोग पार्टी में काम करना चाहते तो क्या साहब मने करते? नहीं करते। यह पार्टी हर व्यक्ति की है, किसी परिवारवाद की नहीं है, ये मिशन मूवमेंट है, इसमें कोई भी आके काम कर सकता है। और अब आकाश आनंद जी काम करने के लिए आज से नहीं निकले हैं,
2017 से निकले हैं, क्योंकि आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने जिन जिन को पद दिए, जिन जिन को राष्ट्रीय जवाबदारी दी, उन लोगों ने आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को धोखा दिया है। इसी उद्देश्य के तहत आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने एक युवा पे विश्वास किया है, युवाओं पे किया है। पिछली बार भी संकेत दे दिए थे कि पूरे देश के अंदर 50% युवाओं को भागीदारी मिलेगी। अब आकाश आनंद जी के नेतृत्व में हम लोग लग चुके हैं, पोलिंग बूथ तक जाएंगे और उनको मुंह तोड़ जवाब देंगे। जो लोग कहते हैं कि परिवारवाद चल रहा है, अखिलेश में परिवारवाद नजर नहीं आ रहा है, कांग्रेस के अंदर कोई परिवारवाद नजर नहीं आता है, ये लोग केवल बुराई कर सकते हैं, काम नहीं कर सकते। कांग्रेस में बहुजन समाज के लोगों ने राजस्थान मध्य प्रदेश में पूरी ताकत लगा ली, फिर भी कांग्रेस की सरकार नहीं बनी। आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, मैं अपील करना चाहता हूँ, हे मेरे बहुजन समाज के लोगों, इतनी ताकत तुमने कांग्रेस के लिए लगाई, यदि इससे तुम 10% ताकत बहुजन समाज पार्टी के लिए लगाते तो हमें विश्वास है कि बिना बहुजन समाज पार्टी की सरकार नहीं बनती, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे समाज के लोग भटक गए हैं। मानवा साहब कांसीराम साहब ने बोला था कि गुलाम को गुलामी का एहसास करा दो, जिस दिन गुलाम को गुलामी का एहसास हो जाएगा, गुलाम खड़ा हो जाएगा। और वही काम हम लोग कर रहे हैं, आने वाले समय में वो सारे लोग जो बीजेपी कांग्रेस में घुसकर अपनी गुलामी करके घुटन महसूस कर रहे हैं, वो लोग बाहर निकल के आएंगे, बहुजन समाज पार्टी से जुड़ेंगे और आने वाले समय में सरकार बनाएंगे। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।